स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स एमआरएनए, ये देखो जब स्मॉल सबयूनिट एनकाउंटर्स एमआरएनए तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिन। ठीक है, तो ये मैं राइट अप समझ लेना। Hello everyone, in this video I am going to give you the evidence of number of questions came from NCERT book and in what extent they were modified or variable from NCERT lines. And I will not promote any book or not suggest any book, but I will give you the proportion of questions came from NCERT book and the other reference book. After watching this whole video, you yourself will be able to decide what to study and what not to study. And it will help you in creating a confident about your study content. Start with the botany section. तो इसमें question one क्या है कि which one of the following statement cannot be connected to predation? या इस paragraph में सारे line दिए गए हैं. It helps in maintaining species diversity in a community. ये देखो species diversity in a community. Maintaining species diversity. It might lead to extinction of species. हाँ. तो देखो इसकी इसमें अगर ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है जिसकी वजह से प्रे स्पीसीज भी एक्सटेंड हो सकती है और प्रीडेटर्स भी एक्सटेंड हो सकते हैं, तो ये लाइन भी दी गई है। अब बोथ इंट्रोडक्टिव स्पीसीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड, तो ये गलत है। ये प्रीडेशन में क्या होता है कि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, और इसमें इन्होंने दे दिया कि बोथ द इंट्रोडक्टिव स्पीसीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड, तो ये गलत है। ये कुछ है कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशन और इकोलॉजिकल बैलेंस। हाँ, इकोलॉजिकल बैलेंस भी बनाता है ये पैराग्राफ, पूरा पढ़ोगे तो मीनिंग समझ में आ जाएगा। थोड़ा इनडायरेक्ट था ये। अब ये वाला क्वेश्चन है, डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच डेटरिटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपल। पोजिशन इज प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और ये जो डेटरिटस होता है ना, वो इसका रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल ऑफ डिकम्पोजिशन। तो इन्होंने पूरा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लिखने की बजाय इन्होंने ऐसा लिखा है कि इन विच द डेटरिटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस माइक्रो। तो ये हाँ एनसीईआरटी की लाइन है। अब डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ द डेटरिटस इज रिच इन लाइगनिन एंड क्राइटिन। तो यहाँ दिया गया है कि डिकम्पोजिशन इज स्लोअर, यहाँ दिया गया है डिकम्पोजिशन इज फास्टर, सेम लाइन है, अब गलत कर दी गई। तो फिर ये स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है पर स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। अभी अगला क्वेश्चन है, इन रूट्स जाइलम एंड फ्लोएम, ये लाइन देखोगे ना, इन रूट्स जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वैस्कुलर बंडल आर अरेंज इन एन अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई। एंड जाइलम एंड फ्लोएम विद इन अ वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन एन अल्टरनेट मैनर एज इट इज। लाइन दी गई बस विद इन वर्ड नहीं दिए गए, इसकी वजह से ये रॉन्ग है। अब कॉन्जॉइंट क्लोज वैस्कुलर बंडल डू नॉट पोस्ट कैम्बियम। अब जो ये क्लोज वेस्कुलर बंडल हैं, ये है क्लोज वेस्कुलर बंडल, तो नो कैम्बियम प्रेजेंट, लेट इज कॉल क्लोज वेस्कुलर बंडल कैम्बियम। एंड जो ओपन वेस्कुलर बंडल होते हैं उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये दिया गया है कि कैम्बियम ओपन वेस्कुलर बंडल में क्या होता है कि कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, ये दी गई है। इसमें एवल वितिन नहीं दिया गया, और ये स्टेम में एंडार्क होता है, स्टेम में एंडार्क ये भी दिया गया है, ये है स्टेम्स, इन स्टेम्स। देखो ऐसा भी हो सकता है कि जो मेन वर्ड है वही दब गया, इन स्टेम्स एंडार्क कंडीशन प्रेजेंट होती है। और ये फिर लास्ट ऑप्शन है मोनोकोटिलेडनस रूट, यूजुअली देयर आर मोर देन सिक्स, मतलब पॉलीआर्क कंडीशन की बात करी गई है, तो वो भी देखो इसमें दिया गया है। कहाँ है, मोनोकोटिलेडनस रूट में मोर देन सिक्स जाइलम बंडल इन मोनोकोट रूट, ये भी लाइन दी गई है, तो ये गलत है। ये सही है, ये सही, तो बी सी डी ई ओनली करेक्ट आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक पाथवे। अब मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस एंड वॉल ऑफ द स्पेस, ये तो हमें पता ही है कि मूवमेंट थ्रू एपोप्लास्ट डज नॉट थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस एक्सक्लूसिवली थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस एंड वॉल ऑफ द सेल्स एज इट इज लाइन दी गई है। सेकेंड है द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये भी दिया गया है डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। द मूवमेंट इज एडेड बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, देखो मूवमेंट यहाँ पे जो इस एपोप्लास्टिक पाथवे के लिए बोला गया है कि मूवमेंट इज एडेड बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, बट यहाँ पे क्या है सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में भी एडेड बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और एपोप्लास्ट इज कॉन्टिन्यूस एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर ऑफ वाटर, ये भी दिया गया है कि
डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट। ये आपको प्लास्टिक के बारे में दिया गया, तो ये सिर्फ प्लास्टिक के बारे में था, तो ये हमारा नॉट ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा आंसर। सारे ए टू जेड एज इट इज लाइन सारी एनसीईआरटी से आई हुई है। तो आर्थ्रोपोड्स में क्या है, इनकी जो एक्सोस्केलेटन होती है, एक्सोस्केलेटन, तो ये भी दिया है। अब रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कि आया है कि यू क्रोमेटिन, ये 12 यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, ये दिया है लूजली पैक्ड रिफर्ड एज यू क्रोमेटिन। और है फिर हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एक्टिव, तो यहाँ पे यू क्रोमेटिन के लिए ये चीज़ लिखी है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। स्टोन ऑप्टिमाइज्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए न्यूक्लियोसोम, हाँ न्यूक्लियोसोम नेगेटिवली चार्ज डीएनए से टैप होता है पॉजिटिव ऑप्टोमर। तो फिर ये हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, हाँ हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। अब ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कैन हैव 400 बेस पेयर, नहीं टिपिकल न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर कंटेन करता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो उसका आंसर आ जाएगा सेकंड, ए सी डी। सो इन ऑल ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क, इन ऑल ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू सीक्रेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमन ऑफ एसिड। डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एज इट इज लाइन दी गई है बिल्कुल। और डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टैनिन एंड रेजिन इन सेंट्रल लेयर ऑफ स्टेम, हाँ सेंट्रल और इनरमोस्ट लेयर ऑफ स्टेम में डिपोजिशन होता है। और जो थर्ड लाइन है कि डिपोजिशन ऑफ सुपरिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस आउटर लेयर में नहीं होता है, इनर लेयर में, सेंट्रल लेयर में होता है। और ये पेरीफेरल होता है, ये भी फिर से यही कि डिपोजिशन पेरीफेरल लेयर में, तो ये भी गलत। और प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा इज फंक्शनली एक्टिव जाइलम एलिमेंट एंड एसेंशियल ऑयल, तो फंक्शनली एक्टिव जाइलम एलिमेंट्स नहीं होता है, अगर फंक्शनली एक्टिव हो तो लाइट पार्ट हो जाएगा, डार्क नहीं रहेगा। तो इन्होंने डार्क पार्ट की बात करी, तो यहाँ पे फंक्शनली एक्टिव नहीं होता है। ये जो सैपवुड होता है उसमें सेकेंडरी जाइलम होता है जो कि फंक्शनली एक्टिव होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड, ए बी ओनली, ठीक है। द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, इसका ये है जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल दिए गए हैं पी गुलमोहर ग्रीन केशिया, तो इसमें गुलमोहर है केशिया है और ये धतूरा चिली मस्टर्ड, ये एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल होते हैं मस्टर्ड धतूरा चिली, तो ये रॉन्ग हो जाएंगे। तो सिर्फ पी एंड सी ओनली। अब नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो फिर इसमें फर्स्ट ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूजन, तो इसमें इल्यूजन का डेफिनेशन दिया गया है यही कि अगर उस जेल से जो एक्सट्रैक्ट करते हैं इस प्रोसेस को, दिस स्टेप इज नॉन एज इल्यूजन, तो ये दी गई है। फिर द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टेन्ड बाई यूजिंग इथिलीडियम ब्रोमाइड, तो ये भी दिया गया है कि यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज ग्रेन यानी इथिलीडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग करके होता है। तो फिर द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव्स ब्लू कलर डीएनए बैंड ऑन द जेल, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड नहीं है, ये अलग टॉपिक है और ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व इन द जेल व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट, तो ये सही बात है, जब यूवी लाइट से एक्सपोज करेंगे तो कैसा कलर मिलता है, ऑरेंज कलर, इन्होंने ब्राइट ऑरेंज, हाँ तो ये दिया गया है ब्राइट ऑरेंज एज इट इज, तो ये भी इसी से है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, तो फिर इसका है, इसके एग्जांपल्स देखो दिए गए हैं कॉटन कोरिएंडर बटर कप, इसमें कॉटन कोरिएंडर बटर कप, बट मेज नहीं दिया गया, तो ये भी एजिटिव है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली, हमें इनकरेक्ट मैच पता है, एक्टोकार्पस ट्यूकोजेंथम, एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है और इसमें फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है। अब जो सेकेंड है यूलोथ्रिक्स मैनिटो, नहीं भैया यूलोथ्रिक्स क्या है, ग्रीन एल्गी है
और इसमें नहीं मैनिटोल फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है, ना कि हेलोथ्रेक्स ग्रीन एल्गी में। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग बताना था, ये हमारा आंसर। पोरफायरा फ्लोरिडियन स्टार्च, पोरफायरा जो है ये ब्राउन रेड एल्गी है और इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च प्रेजेंट होता है, वॉल्वैक्स में स्टार्च होता है। ये जो वॉल्वैक्स है ये है ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी में स्टार्च प्रेजेंट होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिनेशन की रिलेटेड क्या इनकरेक्ट है। तो पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें ये एज इट इज़ लाइन दी गई है कि पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, तो यानी कि ये सही है। पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन अमंग एक्वेटिक पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेशन, ये भी दी गई है। फ्लावर प्रोड्यूस फ्यूल ऑडियोर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड, ये लाइन भी दी गई है। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फ्यूल ऑडियोर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। बच्चों ये वाली लाइन है, ये कहीं नहीं दी गई है, तो यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट और हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड। तो इसका तो इन्होंने एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज। बट जो इसमें नेट गेन दिया नहीं गया थ्योरी में, ये हम निकाल सकते हैं, इसमें नेट गेन बताना है। तो इसमें देखो हमारे कितने एटीपी मॉलिक्यूल यूज हुए, 1 2 दो मॉलिक्यूल यूज हुए, ठीक है। और टोटल प्रोड्यूस कितने हुए यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे एक यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, एक यहाँ पे, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 3 3 मॉलिक्यूल्स के दो चल रहे हैं ना, एक ग्लिसरिक एसिड कीटोन और एल्डिहाइड दो कंपाउंड है ना, तो एक इससे मिलेगा एटीपी और एक इससे मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो 2 into 2 2 into 2 तो दिस इज़ 4 प्रोड्यूस हुए हैं, और उसमें से यूज कितने हुए थे, 2, तो 4 minus 2 2, तो नेट गेन कितना आया, 2 ATPs। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटेंशन आर कॉजेज फॉर बायोडायवर्सिटी लॉस। इसमें डायरेक्ट दिया गया है, देखो कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड को एक्सटेंशन, सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिलेटेड टू रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमीऑस्मोसिस, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट। ये दिया गया है कि ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट, व्हाट ग्रेडियंट, प्रोटोन ग्रेडियंट, ये दिया गया है। ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, ये गलत है। मूवमेंट ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, हाँ प्रोटोन का मूवमेंट होता है, रिमूव्स अ प्रोटोन फ्रॉम द स्ट्रोमा बाय ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो स्ट्रोमा से प्रोटोन का रिमूव होता है, यही इसमें दिया गया, अक्रॉस अ मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा। रिडक्शन ऑफ एनएडीपी टू एनएडीपीएस2 ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा साइड में, तो ये एनएडीपी को एनएडीपीएस2 में रिड्यूस करता है, ये भी सही है, ये अलग अलग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये दिया क्या है। और फिर है मूवमेंट्स ऑफ सेंट्रियोल्स टूवर्ड अपोजिट पोल, मूवमेंट्स ऑफ सेंट्रियोल विच एड अंडरगो मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल, सेंट्रियोल मूव टूवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल। अब है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये ना माइटोसिस का नहीं है, मियोसिस का करेक्टरिस्टिक होता है, ये दिया गया मियोसिस में कि होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, लेकिन ये होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, ये मियोसिस में माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इन्होंने माइटोटिक सेल डिवीजन पूछा था, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, ये भी होती है क्रोमेटिन कंडेंसेशन, तो ये इसमें होता है, ये मियोसिस का फीचर है। तो द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ओड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस करेक्टराइज, ये वाली लाइन एज इट इज जिसने पढ़ी होगी वही कर पाएगा, क्योंकि इसमें देखो क्या दिया गया है
कि वो साइट का नाम पूछा गया है। ये देखो, ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइज्ड द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स, साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स, मतलब सेम लाइन उठा के रख दिए। अपीयरेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, अपीयरेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन नोड्यूल, ये वो सब कुछ मियोसिस का ये है। तो एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन ग्रासहॉपर। ये देखो, ग्रासहॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। फिर नेक्स्ट है, प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज इंक्रीज मेनी फोर रिसेंट ईयर्स, एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन हैज रिजल्टेड। उन्होंने कुकुम्बर का प्रोडक्शन किस हार्मोन से इंक्रीज किया गया। ये देखो, ये इथाइलिन में एज इट इज लाइन दी गई है कि कुकुम्बर प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर, देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड। ये लाइन दी गई है। फिर है कि मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट, ये तो सबको ही पता है, दिया ही गया है। फिर 7 करेक्टर्स एग्जामिन बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट, ये भी करेक्टर्स भी पता है, शेप था, कलर था, फ्लावर का कलर था, पॉट का शेप, ये वो, तो बोथ स्टेटमेंट फॉर सेकेंड हाफ करेक्ट। अब फिर भी दिखा दे रहे हैं, ये रहे वो 14 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। अब इनकी एज इट इज 9 भी दी गई है, तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट सेलेक्टेड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो इसमें क्या है इसका आंसर, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी। फिर है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन साइट्रस एंड बोगनविलिया। तो इसका जो एग्जांपल है ये साइट्रस एंड बोगनविलिया का, साइट्रस एंड बोगनविलिया। तो जो इसमें मॉडिफिकेशन है थॉर्न्स में, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, बट इसमें क्या लीफलेट्स का मॉडिफिकेशन है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। अब एक्सिलरी बड्स फॉर्म सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंडल्स इन कुकुम्बर एंड पम्पकिन। तो ये इसमें देखो दिया गया है कि सिलेंड्रिकल एक्सिलरी बड्स सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड सच एज इन कुकुम्बर एंड पम्पकिन। तो ये वाली लाइन भी दी गई है, कुकुम्बर एंड पम्पकिन में ऐसा होता है। और फिर राइजोपोरा सो वर्टिकली अवर गोइंग रूट्स दैट हैव बीन टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो इसमें ये दिया गया है कि राइजोपोरा में ये मॉडिफिकेशन होता है रूट्स में, कि उसमें फॉर गेटिंग ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। और इसमें फिर है सब एरियली ग्रोइंग स्टेम्स इन ग्रास। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था ना, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट यही है, अच्छा चूज करने हैं। तो ये भी है, फिर है कि ये स्टेम इज फ्लैट सीन ओपनचिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ लीव्स। ये किसका मॉडिफिकेशन है स्टेम्स का, किसमें, ओपनचिया में। तो ये भी लाइन दी गई है। फिर सब इरिली ग्रोइंग स्टेम्स इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हाँ ये भी सही है कि ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी में जो उनकी अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज़ होती हैं। इसमें सब इरिली किया है बट इसका आंसर करेक्ट है। तो इसमें ये डाउटफुल है ऐसा क्यों किया इन्होंने। फिर हाइड्रोक्लोराइड कैरोगेन इज ऑब्टेन फ्रॉम, हाइड्रोक्लोराइड कैरोगेन रेड एल्गी का फीचर है, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोक्लोराइड कैरोगेन बोला है ना, तो हाइड्रोक्लोराइड कैरोगेन तो सिर्फ रेड एल्गी में पाया जाता है, बाकी का हाइड्रोक्लोराइड एल्गिन भी पाया जाता है, वो ब्राउन एल्गी में पाया जाता है हाइड्रोक्लोराइड एल्गिन, लेकिन हाइड्रोक्लोराइड कैरोगेन किस में, सिर्फ रेड एल्गी में पाया जाता है, तो रोडोफाइसिन ओनली। The device which can remove particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant is
इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर जो एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल रिएक्शन, ठीक है। फिर है क्लाइस्टोकेमस फॉर्मर्स आर इनवेरिएबली ऑटोकेमस और क्लाइस्टोकेमी इज डिसएडवांटेजेस एज देयर इज नो चांसेस फॉर क्रॉस पोलिनेशन। तो ये रहा इसका इनवेरिएबली ऑटोकेमस और इनका ये डिसएडवांटेज होता है, तो ये इसकी वजह से बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। अब है कि गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म बाई प्लांट फॉर वॉट। तो ये देखिए, दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट शोज दैट फ्लोएम इज द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो ये जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन बताने के लिए यूज किया गया था। नाउ विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स ऑफ वेजिलरी एस्टरिजेशन एंड डायडल्फस स्टेमन, ये होता है पाइसम सटाइवम में। ये देखिए वेक्सिलरी एस्टाइवेशन और डायडल्फस एंथर, ये किस में एंड्रोशियम, ये किस में था, इसका एग्जांपल है यहाँ पे पी, स्वीट पी मतलब पाइसम सटाइवम, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अब है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ओके PCR is used in DNA amplification. सही बात है। द एम्पलीफिकेशन रेजिस्टेंट जीन इज यूज एज अ सेलेक्टिव मार्कर टू शेयर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका तो मेन हेडिंग ही यही है, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन बाई पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट सेकेंड है, सही है। फिर जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि ये एम्पलीफिकेशन रेजिस्टेंट जीन को सेलेक्टिव मार्कर की वजह से यूज करते हैं, तो ये इसमें दिया गया है। थोड़ा पढ़ने वाला था कि एम्पलीफिकेशन कंटेनिंग मीडियम में ये होता है, ये सब उनको ग्रो करवाया जाता है। फिर उसमें जो ये वाली जो कॉलोनी थी, वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स वेयर द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन। तो ये सेलेक्टिवल मार्कर की जैसे यूज करते हैं एम्पलीफिकेशन रेजिस्टेंट जीनों या तो फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीनों, दोनों को ही। तो दोनों ही अपने आप में सही हैं, पर इसका ये रीजन नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट होगा सही। द गैसियस प्लांट ग्रो रेगुलेटर इज ग्रोथ रेगुलेटर यूज इन प्लांट इज प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस। प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस। फिर डी एन ए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग। ये देखो बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग एंड डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग, क्या पॉलीमॉर्फिज्म इन डी एन ए सीक्वेंस। तो ये भी डायरेक्ट लाइन एन सी आर टी की। फिर है द प्राइमरी सी ओ टू रिसेप्टर इन सी फोर प्लांट इज फॉस्फोनोल पाइरिमिडाइन एंड इज फाउंड इन द नेसोफिल सेल। ये देखो द प्राइमरी सी ओ टू रिसेप्टर इन सी फोर प्लांट इज फॉस्फोनोल पाइरिमिडाइन। प्राइमरी सी ओ टू रिसेप्टर इन सी फोर प्लांट इज फॉस्फोनोल पाइरिमिडाइन is found in the mesophyll cell, present in mesophyll cell. Mesophyll cells of C4 plant like Rubisco enzyme, mesophyll cells like Rubisco enzyme. So both statement first and statement second is correct. Which one of the following produces nitrogen fixing nodule on the roots of alnus? This is Frankia nodules. Also produce nitrogen fixation nodules in the roots of Alnus plant. Then which of the following is not a method of ex situ conservation में दिए गए हैं यहाँ पे नेशनल पार्क्स, माइक्रो प्रोपगेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड विट्रो फर्टिलाइजेशन इज नॉट अ मैथड। पूछा गया कौन सा मैथड नहीं है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक्सिटू में दिया गया है, माइक्रो प्रोपगेशन दिया गया है, प्रोपगेशन इसमें सीड्स का करते हैं, तो और ये क्रायो प्रिजर्वेशन भी है,
बट ये जो नेशनल पार्क है ये इंसिटू का एग्जांपल है, ये रहा इंसिटू कंजर्वेशन, और इंसिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल में है नेशनल पार्क, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इज़ नॉट अ मेथड. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन्स बिगिन एज सून एज द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स mRNA. ये देखो, when the small subunit encounters the mRNA, the process of translation of mRNA to protein begins. फिर है तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा. देन मैचिंग करनी है, ये न्यूट्रिएंट्स दिए गए. रोल ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज इज फंक्शन इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. मैग्नीज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. मैग्नीशियम एक्टिवेट्स एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन. मैग्नीशियम एक्टिवेट्स द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस. बोरोन रिक्वायर्स फॉर पोलन जर्मिनेशन. बोरोन रिक्वायर्स फॉर पोलन जर्मिनेशन. आयरन एक्टिवेट्स द एंजाइम ऑफ कैटलेज. आयरन activates the catalase enzyme. Then section B, it's now the entire fleet of buses in Delhi were converted to CNG from diesel. In reference to this, which one of the following statement is false? CNG burns more efficiently than diesel. Burns more efficiently. The same diesel engine is used in CNG buses. This is wrong. The engine is different for CNG buses and for diesel. Now, it is cheaper than diesel. Yes, CNG is cheaper than petrol and diesel. It cannot be adulterated like diesel. It cannot be siphoned off by thieves and adulterated like petrol and diesel. So these points are given. Now, Essential region, Mendel's law of independent assortment does not hold good for the genes that are located closely on the same chromosome. The closely located genes assert independently. This question was little different but quite easy to understand because these lines are not as it is given in the NCERT book, but we can see that this phenomena when the genes are closely located, this phenomena is known as linkage. और जब linkage होता है ना तब वो independently नहीं assert होती हैं, वो क्या कहते हैं एक दूसरे पर depend करती हैं. वो जब linkage होने पर ना उस एक साथ जाती हैं, क्योंकि जब when the genes are same chromosome में present होती हैं या क्लोजली अटैच्ड होती हैं तो उनका लिंकेज होता है, जिसकी वजह से वो एक साथ जाती हैं. ये वाली स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगी. और जब इंडिपेंडेंट समय डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम, जब सेम क्रोमोसोम में एक साथ प्रेजेंट है क्लोजली तो उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो सकता है, तो ये वाली लाइन तो सही हो जाएगी. तो ये था इसका. तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट. फिर ये वाला डाइग्राम जो है पेरिकार्प, ये डायग्राम एज इट इज़ दिया गया है, एप्पल का डाइसेक्शन दिया गया है इसमें. देखो ये थैलमस है, सी इज द थैलमस. इन्होंने सी पार्ट ही, इन्होंने पूछा है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग लेबल डायग्राम मेक्स इट एज अ फॉल्स फ्रूट. तो ये फॉल्स फ्रूट क्यों होता है? फॉल्स फ्रूट होता है क्योंकि ये थैलमस से फ्रूट बनता है रेदर देन द सीड. सो दिस इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट बिकॉज ऑफ थैलमस. सो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है ना फॉल्स फ्रूट की, तो इससे इसका आंसर सी हो जाएगा. इफ़ द जेनेटिस्ट यूज द ब्लाइंड अप्रोच फॉर सीक्वेंसिंग द होल जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉलोड बाई द असाइनमेंट ऑफ फंक्शन टू डिफरेंट सेगमेंट, द मेथडोलॉजी अडॉप्टेड बाई हिम इज कॉल्ड एज इट इज. ये डेफिनेशन दी गई है सीक्वेंस एनोशन की, एनोसिएशन. The blind approach of simply sequencing the whole set of genome that contain all the coding and non-coding will later assign different regions in the sequence which function. For sequences are total DNA isolated and converted into random random. तो ये सीक्वेंस एनोसिएशन है, तो ये जो ब्लाइंड अप्रोच होता है तो ये दिया गया है.
Then which of the following occurs due to the presence of autosome linked dominant trait? Here are autosome linked dominant trait. For example, myotonic dystrophy. ये theory में नहीं दिया गया है, ये diagram में दिया गया है, और diagram से ही पूछा गया है कि which of the following occurs due to the presence of autosome linked dominant myotonic dystrophy. ये था. फिर ये बताना है कि प्लस माइनस माइनस प्लस क्वेश्चन में दिया गया है आपको प्लस और माइनस ये तो बताया है क्या होता है ये सब तो ये प्लस माइनस दिया गया है प्लस माइनस दो का होता है प्रेडेशन का और पैरासिटिज्म का ये रहा प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म प्लस माइनस बट यहाँ पैरासिटिज्म नहीं दिया गया है तो इसका आंसर होगा प्रेडेशन प्रेडेशन प्लस और माइनस प्रेडेशन What is the role of large bundle C cells found around the vascular bundle in C4 plants? जब आप ये वाला पैराग्राफ करोगे C4 plant में तो ये जो पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं ये कोई भी पॉइंट नहीं मिलेंगे टू पॉइंट साइड ऑफ फोटो रेस्पिरेटरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन कैल्विन साइकिल ये वाला दिया गया है लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है बंडल सी सेल में तो रोल ऑफ लार्ज बंडल सी ये हो गया बंडल सी लार्ज होती है बट टू ने मतलब प्लांट रोलेड है या फिर ऐसा कुछ नहीं है टू प्रोटेक्ट द वैस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी ऐसा भी कुछ नहीं है तो पूछा गया था इसमें से क्या रोल होता है तो हाँ ये रोल होते हैं बंडल सी सेल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है नंबर क्लोरोप्लास्ट थिक वॉल इंटरस्टीशियस टू बेसिस एक्सटेंड एंड वाइड सेलुलर स्पेस तो ये इसे दिया गया था फिर है ये इनकी मैचिंग करनी है स्पायरो वगैरह डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट ये देखो इसमें स्पायरो वगैरह फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होती है हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल होती है मेन बॉडी हैप्लॉइड हो जाएगी डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग फिर है फर्न जो फर्न होता है वो होता है टेरिडोफाइट ये रहा टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल में फर्न और जो फर्न है ये डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है अल्टरनेटिव विद ये नहीं नहीं ये है रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथेलस जो अल्टरनेटिंग जनरेशन होती है गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथेलस टेरिडोफाइट्स में प्रोथेलस होता है ये रहा इधर तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इसके टेरिडोफाइट क्या हो गया फंड तो ये हो गया अब फिनेरिया ये एक ब्रायोफाइट होता है तो ये रहा ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल में ये रहा और फिनेरिया की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट अल्टरनेटिव विद पार्शियली डिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट ये लीफी स्टेज एंड ऑल दिस थिंग्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड देन साइकस इज अ जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट हेरा डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट विद हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट तो ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी जी इसकी मैचिंग होगी सेकेंड फिर है ये जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर से है लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन लेसिथिन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल तो लेसिथिन जो एग्जाम्पल होता है वो फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है ना कि ग्लाइकोलिपिड का तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड होता है नहीं ये जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें डबल बॉन्ड होता है फिर उसके बाद जिंगली ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट हैज रिमेंस एज ऑयल इन द विंटर ये सही बात है कि जो जिंगली ऑयल है ये रहा जिंगली ऑयल फैट्स एंड ऑयल बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट तो हैज रिमेन ऑयल इन विंटर ये लाइन भी दी गई है लिपिड्स आर जनरली इन सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिपिड्स आर जनरली इन सॉल्युबल इन वाटर ठीक है ये भी लाइन कहीं ना कहीं दी गई है फिर व्हेन फैटी एसिड इज स्टेरीफाइड विद कोलेस्ट्रॉल मोनोग्लिसराइड्स आर फॉर्म तो व्हेन फैटी एसिड्स आर फाउंड स्टेरीफाइड विद ग्लिसरॉल
तो ये स्टेटमेंट भी दिया गया है जिसमें से सी डी ई करेक्ट है बट ए बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. अब ट्रांसपोजॉन्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग. तो जो ये ट्रांसपोजॉन्स होते हैं इनको ना डीएनए जीन साइलेंसिंग में यूज होता है, आरएनए इंटरफेरेंस को यूज होता है जीन साइलेंसिंग, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए मतलब जीन का साइलेंसिंग करने में ये यूज होता है. तो ये भी एग्जांपल दिया गया है. फिर ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक उनकी फीचर्स बताना है. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक. तो ये क्रोमोसोम हैज मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग टू इकोलम मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर इन द मिडल फॉर्मिंग टू इकोलम्स. एक्रोसेंट्रिक का फर्स्ट हो जाएगा सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोजली टू द एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन लॉन्ग, दिस इज एक्रोसेंट्रिक. Then mitocentric and telocentric chromosome. All the definitions are given there. So this is also given. Now this one palindromic sequence. Palindromic sequence. किसे कहते हैं? ये जो GATTC, CTTSC, जो आगे पीछे दोनों तरफ से सेम हो और हमारे में एग्जाम्पल यही दिया गया है. As it is question. ठीक है. द एनाटोमी ऑफ स्प्रिंग रूट शो सम पेक्यूलियर फीचर्स आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम. तो यहाँ पे स्प्रिंग वुड की एनाटोमी पूछ ली है. तो ये रहा स्प्रिंग वुड. स्प्रिंग वुड के बारे में देखो क्या क्या दिया गया है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अर्ली वुड. हाँ, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अर्ली वुड. ये रहा स्प्रिंग वुड ऑटम वुड के बारे में ना. तो ये अर्ली वुड किसको कहते हैं? स्प्रिंग वुड को कॉल्ड स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड. फिर है इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूस जाइलम एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स. ऐसी यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं दी गई है स्प्रिंग वुड के बारे में. इट इज़ लाइटर इन कलर. हाँ, स्प्रिंग वुड इज़ लाइटर इन कलर. द स्प्रिंग वुड अलॉन्ग विद ऑटम वुड सो अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग्स फॉर्मिंग एनुअल रिंग्स. यस, द टू काइंड्स ऑफ वुड्स दैट अपीयर अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग्स कॉन्स्टिट्यूट एन एनुअल रिंग. देन इट इज इट हैज लोअर डेंसिटी, लाइट इन कलर एंड हैज लो डेंसिटी. व्हाट्स स्प्रिंग वुड. दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव गिवन. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एसिलेट फॉस्फोरस साइकिल. अब फॉस्फोरस साइकिल के बारे में ज़्यादा डिटेल तो नहीं दिया गया. ये देखो फॉस्फोरस साइकिल है, इसमें ना बस इतना दिया गया है. रॉक्स आर वेदर फॉस्फोरस साइकिल में. तो बस रॉक्स के बारे में बात करी कि कैसे ये फॉस्फोरस साइकिल अकर होती है. वेदरिंग ऑफ रॉक्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वोल्केनिक एक्टिविटी, रेन फॉल एंड स्टॉर्म्स. दीज थ्री पॉइंट्स आर इररिलेवेंट पॉइंट्स. ओनली दिस पॉइंट इज गिवन, वेदरिंग ऑफ रॉक्स. देन एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट्स इन अ गिवन सॉल्यूशन विल एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट्स इन अ गिवन सॉल्यूशन विल. तो देखो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या नेगेटिव होता है. प्योर वाटर का जीरो होता है, उसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे ना तो उसमें हमेशा सॉल्यूट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज ही होगा. ऑलवेज नेगेटिव होता है. और मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल द लोअर इज द सॉल्यूट पोटेंशियल. दिस सिंबल देखो सॉल्यूट पोटेंशियल, मोर द सॉल्यूट लोअर द सॉल्यूट पोटेंशियल. तो ये रेसिप्रोकल होते हैं जैसे कि, तो एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट्स विद लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल. Get to subscribe my channel because you are going to get many easy tips to learn PPT. Just comment below what kind of video you want. किसको याद करने की टिप पहले चाहिए.